गाइस आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक हैमर कैंडल जो होता है उसके बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने सुना रहेगा बहुत सारा हैमर कैंडल राइट। तो आज हम लोग देखेंगे एंड जानेंगे कि हैमर कैंडल होता क्या है एंड अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप हैमर कैंडल के बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हो। ओके, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा जो है निफ्टी का चार्ट है। किस चीज का चार्ट है? निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया है, ठीक है। अगर आप लोग देख पाओगे तो यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया है। ओके, दिखा देता हूँ मैं आपको, गिव मी अ सेक, मैं यहाँ से ले लेता हूँ पाथ, ठीक है। यहाँ से देखोगे आप, ये देखो यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट कंटिन्यूअसली मार्केट क्या हुआ है, नीचे आया हुआ है, राइट। नीचे आने के बाद में क्या हुआ है ना गाइस, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नीचे आने के बाद में ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा एक टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आने के बाद में क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सर्कल ले लेता हूँ, ये चीज दिख रहा है आपको गाइस, ये चीज दिख रहा है, ये चीज, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये चीज दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी मैंने जहां पे सर्कल किया सिर्फ वहां पे देखो, ये जो सर्कल मैंने किया है ना, ये सर्कल पे क्या बना है, हैमर बना है, राइट। तो गाइस आपको कभी भी याद रखना है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में क्या होता है कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत सारी है, मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक साथ में आपको सब बताऊं, मैं आपको एक एक बताऊंगा एंड ऐसा नहीं कि बस बता के चला गया, मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आप सीखो समझो एंड नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेडिंग करने बैठो तो वो चीज आपके माइंड में रहे एंड उसके बेस पे आप ट्रेड कर सको, राइट गाइस। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, कभी भी याद रखना मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे आए एंड सपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे देख सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट काइंड ऑफ है। रुको मैं आपको एक लाइन मार के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये लो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है, एक दो एंड यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया, देन यहाँ पे क्या हुआ, हैमर बना, राइट गाइस। हैमर बनने के बाद में आपको क्या करना है, हैमर बनने के बाद में आपको क्या करना है, आप ये लो, आप लोग ये समझ गए ना, ये हैमर बना यहाँ पे, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हैमर बनने के बाद में आपको ये देखना है कि ये हैमर जो है इसका साइज क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका साइज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करोगे, ये एक टूल होता है कैलकुलेशन का, ठीक है। अभी मैं ये पॉइंट्स लेके नीचे तक जाऊंगा ना यहाँ तक, तो कितना है ये, 18.44 का है। तो आपको ना क्या करना है, उसका डबल टारगेट लेना है, मतलब 1:2 का। अगर जो कैंडल का साइज है वो समझ लो 10 का है तो आपको 20 का टारगेट लेना है, बस इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं टारगेट कैसे लूंगा गाइस, वापस इस पे जाऊंगा मैं, वो कितने का था, 18.66, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, 18.6 का डबल कितना होता है, 36.37 होता है, बट अपन 36 ही समझते, ठीक है, 36। ओके गाइस, ये देखो अपना टारगेट हो गया है अचीव, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे आपने बाय किया ये हैमर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है, ये हैमर के ऊपर, और आपको टारगेट कितना रखना है, जैसे कि मैंने बताया 36 का, राइट, 36 का आपने टारगेट लिया। और गाइस अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो हैमर के थोड़ा सा नीचे रखो या तो उसी का लास्ट पॉइंट रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो क्योंकि नीचे सपोर्ट है, इतना कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप 36 का ले लो तो 18 पॉइंट का आप एसएल रख लो, ठीक है, कितना 18 पॉइंट का, 1:2 का रिस्क रिवर्ड रेशियो हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टारगेट जो है वो अपना क्या हुआ है, अचीव हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि हैमर कैसे काम करता है, रिमेम्बर दिस, अगर ये हैमर जो यहाँ पे बना हुआ है ये कहीं यहाँ पे बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा तो नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, माइट भी आप प्रॉफिट हो जाए, बट लॉजिकली क्या करना चाहिए आपको, कंटिन्यूअसली मार्केट गिरे, नीचे कहीं पे भी एक सपोर्ट हो जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, सपोर्ट के बाद में आपको यहाँ पे हैमर बने, उसके बाद में हैमर का जैसे ब्रेकआउट होता है आप बाय कर सकते हो और 1:2 का रिस्क रिवर्ड रेशियो रख सकते हो या तो ट्रेल कर करके आप ऊपर जा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं बाद में दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा रहे तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करो, जो बेसिकली जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, ताकि वो भी सीखें, लर्निंग करें एंड देन ट्रेड करें ताकि उनका लॉस ना हो। थैंक यू गाइस।